आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर सारे बड़े बड़े नेता जा क्यों रहे हैं? कभी प्रियंका गांधी के खासम खास रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर कई बड़े बयान दे दिए। ये बयान ऐसे हैं जिनसे सीधा गांधी परिवार और राहुल गांधी पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी पर प्रमोद कृष्णम ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है कि कांग्रेस की राजनीति में खलबली मच गई है। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस का कौन सा नेता खड़ा होगा, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर पहले ही ये व्यंग कस चुके हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राज्यसभा से संसद पहुंचने के रास्ते खोज रहे हैं, चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमोद कृष्णम तो ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं कि गांधी परिवार के अंदर के ऐसे ऐसे राज लोगों को बता रहे हैं कि जनता हैरान है। प्रियंका गांधी जी भी अभी चुनाव का क्लियर नहीं हो पाया कि कहां से चुनाव लड़ेंगी। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं पार्टी के भीतर, उनका भी सम्मान नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, ये दुर्भाग्य है। जबकि कांग्रेस पार्टी की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी, अमेठी की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। एक तरफ गांधी परिवार अपनी खानदानी सीट से मोह छोड़ नहीं पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे हार का भी डर सता रहा है। स्मृति ईरानी ने तो बकायदे अमेठी में अपना गृह प्रवेश करके अमेठी को लंबे समय तक अपने किला बनाने का फैसला ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी अपना उम्मीदवार तलाश रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, गांधी परिवार क्या सोच रहा है, इन सब पर कभी प्रियंका गांधी के खासम खास रहे प्रमोद कृष्णम बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं और मोदी जी की गारंटी झूठी है, तो क्या मानते हैं ये केवल चुनावी फंडा है, क्या है? देखिए, पागल व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। बच्चा जो बालक हो और जो पागल हो वो तो कुछ भी कह सकता है। बालकों की बातों पर और पागल व्यक्ति की बात पे कोई किसी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने ये बात जग जाहिर कर दी है कि आखिर गांधी परिवार से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नाराज क्यों हैं। प्रमोद कृष्णम का कहना साफ है कि कांग्रेस को अब गांधी परिवार नहीं बल्कि राहुल गांधी के नौकर चला रहे हैं, जिससे बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती हो रही है। देखिए, डूबते जहाज पर कौन रुकना चाहेगा? कांग्रेस एक डूबता जहाज है और फिर जिसके कैप्टन राहुल गांधी हों, उस जहाज में कोई नहीं रुक पाएगा। छलांग लगा लगा के लोग भाग रहे हैं, और भी जाएंगे, चुनाव के बीच में भी बहुत लोग जाएंगे। जितने बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनका सबका दम घुट रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो उनका अपमान करते हैं। करुणाकरन की बेटी, सुरेश पचौरी, अशोक चव्हाण, ये सब बहुत बड़े नेता, गुलाम नबी आजाद, ये सब बहुत बड़े नेता, इनकी रगों में कांग्रेस का लहू दौड़ता था। लेकिन ये सब क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो इनकी बेइज्जती करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बड़े बड़े नेताओं की पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस को नौकर चला रहे हैं और वो नौकर बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं। कभी आप पूछिएगा कमलनाथ जी से, अकेले में पूछिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछिएगा, आनंद शर्मा जी से पूछिएगा, गुलाम नबी आजाद साहब से पूछिएगा, कपिल सिब्बल से पूछिएगा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुरेश पचौरी जी से पूछिएगा। मेरी बात पर यकीन मत करिएगा, पूछिए इन नेताओं से,
ये सब वो नेता हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे। उनकी कितनी तौहीन होती है, इनका बड़ा दिल दुखी है। तो ये सब एक एक करके जा रहे हैं और भी जाएंगे। अमेठी जिला यूथ कांग्रेस की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर पर जो लिखा है उससे पढ़िए। लिखा है, लेंगे बदला देंगे खून, भैया पे अमेठी सूट। केरल के वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद भी अमेठी में कांग्रेस पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता राहुल गांधी को अमेठी बुला रहे हैं, अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस इसे लेकर मौन है। वहीं बीजेपी नेता अटैकिंग मोड में आ गए हैं। देखिए, इनको अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं है। जिस अमेठी की जनता ने इंदिरा गांधी के परिवार को सम्मान देने का काम किया, 5 साल इन्होंने अपने भाषण में सम्मान के बदले अमेठी को के जनता को अपमानित किया। शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई। पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का नाम है। इस लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम है, लेकिन उनके नाम के आगे अमेठी नहीं वायनाड लिखा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में ना ही अमेठी का जिक्र है और ना ही रायबरेली का नाम है। लिस्ट जारी होने से पहले इसकी जोर शोर से चर्चा थी कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन लिस्ट में अमेठी और रायबरेली का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसके बाद से ही संशय बना हुआ है। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मुद्दा मिल गया है। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, लेकिन लगता है कांग्रेस जोड़ो यात्रा उनकी बन गई। अब देखिए राहुल जी की हालत, कि इतने साल अमेठी से जीते हुए भागना पड़ा था उनको वायनाड में, दोनों तरफ से लड़ रहे थे। इस बार तो उन्होंने मन ही बना लिया है कि दूसरी तरफ से उनका कैंडिडेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वायनाड ही उनके लिए सेफ सीट है। यानी कि जो चुनौती दी थी स्मृति ईरानी जी ने पूरे भाजपा ने कि आइए इतना दमखम है तो लड़िए अमेठी से, लेकिन साफ जाहिर है कि वो डर के भाग गए। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तो तय हो गया है, लेकिन अमेठी पर सस्पेंस कायम है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेठी को लेकर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया है। क्या 2019 की तरह राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ वायनाड से ही ताल ठोकेंगे? सवाल है कि वायनाड राहुल की पहली पसंद क्यों बना हुआ है? कांग्रेस वोटरों के मन में भी सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या इस बार बिल्कुल ही छोड़ देंगे? क्या राहुल के लिए अमेठी को अलविदा बोलने का वक्त आ गया है? अगर नहीं तो अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस मौन क्यों है? अगर अमेठी से राहुल नहीं तो फिर कौन? क्या इस बार रायबरेली अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा? सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गई हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई सीधा संदेश नहीं दिया गया है। आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? बीजेपी की तरफ से ताने तो ये भी मारे जा रहे हैं कि अमेठी अगर कांग्रेस का गढ़ है तो राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? वायनाड और अमेठी दोनों जगहों से चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों है? अगर राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से ही चुनाव लड़ते तो समझा जा सकता था कि उन्होंने स्मृति ईरानी का ओपन चैलेंज कबूल कर लिया है। बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से चुनाव में एक बार फिर पटखनी खाने का डर है? उसको तो अपना लिस्ट देना ही पड़ेगा कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसलिए जब इलेक्शन होने वाला है 24 में, सब पार्टी अपना अपना लिस्ट बना रहा है और एक एक करके लिस्ट प्रकाश करता है, और सारे लिस्ट प्रकाश अभी भी हुआ नहीं, टाइम लगेगा, मगर सब पार्टी अपना अपना लिस्ट डालेगा। वो तो किसी के सलाह मशवरा से नहीं डालता है। पार्टी जो लिस्ट देता है कैंडिडेट, वो अपना पार्टी का
हिसाब से, उसका सांगठनिक तरीका के हिसाब से, उसका नेता का पोजीशन के हिसाब से वो तय करके कैंडिडेट करता है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपना घर बनवा लिया है, गृह प्रवेश कर चुकी हैं, अमेठी की मिट्टी से जोड़ने का दावा करती रहती हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी का धुआंधार दौरा चल रहा है। स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के लोगों से मुलाकात करके राहुल गांधी को 2019 की करारी हार याद दिला रही है। बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। अमेठी लोकसभा सीट पर दशकों से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, गांधी परिवार ही इस सीट पर विजयी होता रहा, लेकिन 2019 में इस सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। अमेठी में राहुल बनाम स्मृति की चुनावी जंग 15 साल पुरानी हो चली है। साल 2009 में स्मृति ईरानी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था, तब राहुल गांधी ने 3,70,000 से भी अधिक वोटों से स्मृति को हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ही जीते, लेकिन स्मृति ईरानी के हार का अंतर 1,00,000 तक पहुंच गया। लेकिन 2019 के चुनाव में कहानी पलट गई, स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी 55,120 वोट से हार गए। दो हजार 2024 के चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्ष की तरफ से एनडी गठबंधन बनाया गया, लेकिन कांग्रेस का एनडी गठबंधन केरल के उस वायनाड सीट पर नहीं टिक पाया है जहां से वो खुद सांसद हैं, जहां से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का आधिकारिक रूप से ऐलान हो चुका है। एनडी गठबंधन में शामिल सीपीआई ने वायनाड सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है। सीपीआई ने वायनाड लोकसभा सीट से एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने ये जानकारी दी है। एनी राजा डी राजा की पत्नी है और सीपीआई की राष्ट्रीय महिला समाख्या महासचिव है। कांग्रेस और लेफ्ट बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक मिलकर चुनाव लड़ने का करार कर चुके हैं। वहाँ दोनों ही दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आने वाले हैं। वायनाड के सियासी समीकरण की बात करें तो वहां 56% मुस्लिम वोटर हैं, 34% हिंदू वोटर हैं, 9% ईसाई हैं और 1% जैन वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। इसके तहत कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस को मिली 17 सीटों में अमेठी, रायबरेली जैसी पार्टी की परंपरागत सीटें भी शामिल हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस यूपी में एक भी सीट पर प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि यूपी के सीटों के नाम फाइनल किए जाने के साथ ही अमेठी सीट के उम्मीदवार पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के अमेठी के चुनावी मैदान से उतरने या न उतरने की रणनीति पर हर किसी की नजर रहने वाली है।